फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सबक के जहां में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ कैसे होंगे। हम सब एकदम ठीक है। आज थी 27वीं शब, रात में सब लोग इबादत कर रहे थे और अभी आ गया है सहरी का टाइम। मैं बना रही हूँ पराठे क्योंकि अब 2-3 दिन रमजान बचे हैं तो पराठे खाते हैं। और अम्मी एज यूजुअल सहरी आम धो रही है सहरी में खाने के लिए ना। सलाम कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो। हां, सहरी में खा रहा है कबाब और रोटी। मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए पराठे बनाए और तुम पराठे नहीं खा रहे हो रेहान। मन नहीं है। अम्मी खा रही है आम के साथ पराठा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। और अब मैं खाऊंगी फ्रेंड्स चाय और पराठा, खा लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। पराठा बहुत से कुरकुरे कुरकुरे बने। तो ये रहे मेरे बनाए हुए पराठे, यहाँ पे मैं खा रही हूँ पराठे और उसके बाद मैंने खाया आम और उसके बाद फजर की नमाज हो गई। अस्सलाम वालेकुम सबको, अलविदा जुमा मुबारक। कैसे रमजान जा रहे हैं? सबको अलविदा जुमा मुबारक। रेहान के बचपन की फोटो जो मैंने फर्स्ट टाइम खिंचाई थी वही चलती आ रही है अभी सेकंड स्टैंडर्ड से। अम्मी ये पहन लूं? अच्छे, बहुत अच्छे। ये पहन लूं? ये पहन लो। तुमने हमारे लिए मंगवाया था? हाँ। फिर तुमने हमसे ले लिया? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, अलविदा जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुशी भी होती है, अलविदा जुमा है, ईद आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा दिल में बुरा लगता है कि रमजान जा रहे हैं। कितनी खुशी होती है, हम लोग रमजान की कितनी ज्यादा तैयारियां करते हैं, रमजान आ रहे हैं, रमजान आ रहे हैं, और पलक झपकते ही रमजान चले जा रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ा सा फिर से रूम ऐसा हो गया है क्योंकि ईद के टाइम पे फिर से बहुत सारे हैम्पर्स आ गए हैं ईद गिफ्टिंग के, ये सारी चीजों के 1 मिलियन के गिफ्ट आ गए हैं। तो बस उसी को इंस्टाग्राम पे मैं डाल रही थी। ईदी के पाउचेस आए थे फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पे सबकी स्टोरी डालती जा रही हूँ, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। दो हिजाब्स आए थे फ्रेंड्स, 1 मिलियन का गिफ्ट आया था। ये है आज के हमारे आउटफिट, हमने एक जैसे आउटफिट पहने, अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। ये मैंने लिया था बीबा से, रिजव को भी इस तरह दिलाया था। बस एक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, अगर दुपट्टा नहीं होता ना तो फिर वो सूट का लुक नहीं आता है। वाला दुपट्टा रखा हुआ था बहुत पहले का, तो मैंने आज यही कॉन्ट्रास्ट में डाल लिया और इसका ये गोटा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग 5 मिनट के लिए जा रहे हैं, कुछ कुछ चीजें देनी है बाहर, अब रमजान खत्म हो रहे हैं तो इससे पहले सारी चीजें सबको दे दें जरूरतमंद लोगों को, इसलिए हम लोग भी बाहर निकल रहे हैं। हम आपसे मिलते हैं आके इंशाल्लाह। काला काट रही है चने, हम लोग आते हैं ठीक है। टमाटर काट रहा है। अच्छा तुमने दिमाग की बात की है पहली बार। आज का अम्मी का ये आउटफिट कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह के पेस्टल शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये पे चिकन का रही है, पता नहीं कब कब के कपड़े निकाल रही हो अम्मी। कितने साल पुराना है? 3 साल पुराना। तुमने पिंक लिया था, मैंने ये लिया था, तुमने एक बार पहन के हटा दिया था पिछले साल। नाजा खालो को मैं अब निकालते हैं। ये है अम्मा के आज के कपड़े। अम्मा सबको सलाम करो, अलविदा जुमा बोलो, बोलो जोर से बोलो। सलाम अलैकुम, रमजान जा रहे हैं सबके लिए दुआ मांगते हैं, सब अच्छे रहा अल्लाह पाक। रिजा देखो आज कितनी प्यारी लग रही है। हम लोगों की सवारी निकल चुकी है, बस यही पास में जाने के लिए। लाइंस वाला खरबूजा लेने के लिए अम्मी ने इतने चक्कर लगवा है और आज तो फ्रेंड्स इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पे। ये वाला खरबूजा मिल गए, बहुत हैप्पी। सब लोग घर आ गए, अभी कहाँ से आया है भैया बेटी खाना, इतनी भीड़, हम लोग घर फंस गए थे। अभी का टाइम में देखो भीड़ तो हो ही गई भैया, वो कर रहे हैं खींच रहे भीड़ लगा रहे, पुलिस के लिए आगे बढ़ो, अम्मी के पीछे भीड़, मेरे पीछे अलग भीड़, बंदा बना है वो तो वैसे कम से कम 50 थे। देख लिया बेटी खाला कार से, मैंने संतोष भैया को 5 मिनट बुलाया, मैंने कहा भैया जल्दी आओ, मैं उनको समझा भी रही हूँ, देखो आप अच्छी खासी, आपको काम करना चाहिए और आप लोग को जकात नहीं बनती, ही नहीं बनता भैया। हम लोग डर, मैं कभी अब मार्केट नहीं जाऊंगी एक हफ्ता, वो वाले मैं इतना डर गई। एक जगह तो बेटी खाला ऐसे हो गया कि बैठे हैं 2 लड़के, मैंने कहा आप जकात लेते हो ना, रसीद ना कुछ, ऐसे बना रहे करे, हाँ लेते, उसको दे रही हूँ और पीछे से एक लड़का आके हाथ से ले लिया, तो मुझे लगा उन्हीं की टीम का है, उन्हीं के साथ आके मैंने दे दिए ले लो। और जब मैं लेके चला गया तो वो कह रहा है कि ये तो आपने अलग को दे दिया, हमको दो। अब मैं शौक, इतना ज्यादा फ्रेंड सीटिंग हो रही है सबके नाम पे, इतना अफसोस होता है। हर चीज में एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन मुझे इतनी भीड़ की आदत नहीं है ना, तो एकदम से मुझे, इसीलिए भाई इस बार हम लोग को मोहम्मद अली रोड नहीं लेके गए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पे आज जो हुआ था इस तरह से, तब से मेरा दिल बहुत ज्यादा डर गया। हमें कुछ काम भी था मार्केट का, मैंने अम्मी को इतना जल्दी बोला, अम्मी बस आप घर चलो, उनके काम
अम्मी ने करने दिए बेचारी को, एक दुपट्टे नहीं उठाया 15 दिन से पड़े हैं। अम्मी ने डाई के लिए दुपट्टे डाले थे बेटी ने, मैंने वो भी नहीं देने दिए। उन्होंने कहा संतोष भैया आप जल्दी आओ, नहीं हम सबको दे रहे हैं, आराम आराम से देते जा रहे हैं, इधर से खींच रहे उधर से दुपट्टा खींच रहे हैं। और वो और फिर पुलिस जो लगी थी वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, वो लोग भी फिर बोल रहे हैं कि आप प्लीज यहाँ से हट जाओ, कि वो नहीं संभाल पा रहे ना भीड़ को, उनको भी प्रॉब्लम होगी। किसका है आपके लिए और मेरे लिए? हम पैर में डालो, छोटी है थोड़ी सी, चलो किस्मत की होती है उसी को मिलती है। आई थी अम्मी को, अम्मी की ना हुई, चलो पहन के दिखा, ये देखो परफेक्ट आ गई है ना अम्मी, अच्छी लग रही है। हमें तो बोल रही है अच्छी अच्छी। असर की नमाज हो गई है फ्रेंड्स, और आज जो इफ्तारी है वो भाभी के यहाँ, क्योंकि भाभी के पापा भी आ रहे हैं, तो हम लोग सब ऊपर जाएंगे। अभी हम चलते हैं, भाभी से पूछ के आते हैं, उन्हें कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। हम लोग अभी जा रहे हैं ऊपर इफ्तार के लिए। यार इससे ना हाथ मिलाना खतरनाक है, कंधा तोड़ दिया थी रोटी लाता। इफ्तारी जो है वो बहुत अच्छे से हो चुकी है, और अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मगरिब की नमाज। क्या हाजिर हो? इफ्तार की बात की चाय आज धर्म दादा ने बनाई थी, अंकल जा रहे हैं, मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। अल्लाह हाफिज अंकित, तो सुनाई नहीं दे रहा होगा। बाय। दिन भी एडिट कर रहा था, मैं बाय कर रही हूँ, उधर एडिट में ही लगा था। चलो आ गए फ्रेंड्स हम लोग नीचे, बज चुका है 8:15। बकलावा, बकलावा जानती हो ना, एक बार आया था। अम्मी आओ, ये देखो ये कितने प्यारे प्यारे खजूर है। रिसा अपन बकलावा बनाएंगे कभी, अम्मी ठहरा भी खाओ, लेकिन इसके साथ ना कंट्रोल नहीं कर पाती। तुम्हें भी बकलावा पसंद है ना? अच्छा मुझे पसंद है ना। हाँ सबको खिला, कटोरी लेके, कटोरी रात के 3 बजने वाले थे, कब से चेरी रखी थी खाई नहीं थी, उसके बाद मैंने सोचा आज ये शीट मास्क लगाती हूँ और कुछ करती हूँ। फ्रेंड्स मैंने ये अप्लाई तो कर लिया है, अब मैं सोच रही हूँ कि सहरी का टाइम हो गया, अब मैं जाऊँ और जगाऊँ। आई होप मैं इस प्रैंक में कामयाब हो जाऊँ। देखा ना भू, इधर तो देखो। कोई भी अंदर देख लेगा, तुम जवाब दे लग रही बुरी, तुम्हें भाई अपना साफ करके आओ, लेके जाओ, एक बार जाओ जाओ। अम्मा लगा हो गया बेटी, ये क्या हो गया? मुझे पता है अल्लाह तोर मुंह तक देख, अल्लाह सबे अच्छी हुई, अब से जगा रहे हो, उठ ही नहीं रही। डर गए क्यों? अच्छा हाँ देख के तुम्हें ऐसा लगा? वो अच्छा नहीं लगा। मैं इस चीज से तुम्हें मुंह देखा हमने, कहा बताया कैसे लगा थोड़ी देर के बेटी का। मैं तो अम्मी देख के अल्लाह क्या गिरा, अम्मा तो घबरा गई थी, अम्मा इससे चेहरा चमक जाता है, तुम्हारे भी लगाऊंगी। आई भाग तुम्हारे, कल तुम्हारे भी लगाऊंगी, ठीक है? अम्मा कह रही निकाल दो इसे, बेटी खाला कल तुम सबके लगाऊंगी। तो नाक तो दिखी नहीं रहे। तो फ्रेंड्स अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, वरना घर वाले मुझे अभी मार के इसे निकालेंगे। बेटी खाला कह रही जल्दी निकाल के आओ, आप में से किसी ने ये लगाया ही नहीं जरूर बताना।
देखो चेहरा कितना चमक गया अब सही है, अब तो ये अम्मा आ गई, अब चेहरा धो के अब ठीक है। अरे अब ठीक है बेटा, मैं घबरा गया तू गवर्नमेंट का काम कर रात भर में, ये बड़ा भयानक था। अम्मी से कटर अम्मी अभी कल आपको भी लगाऊंगी, अब तो की अल्लाह पाक रात भर में का हुई गई, यही कुछ खांसी पड़ी है, खाओ वही पे वही हवा के एकदम काटी अम्मा देख मोर ऐसा लगा था पेट खलबलाएगा। हाय फ्रेंड्स, अगेन नेक्स्ट डे हो गया है, नमाज हो गई है, अम्मी कुराने पाक पढ़ रही है, अभी तक ये ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है। हम लोग अभी जा रहे हैं मार्केट क्योंकि एक दो दिन बाद ईद है, थोड़ी बहुत तैयारियां तो बनती है, निकलो चलो। तीन बार दरवाजे तक जाती हूँ, फिर अम्मी कोई बात आती है, फिर आती है दरवाजे। अभी हम लोग फाइनल निकल रहे हैं क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि हम इफ्तार से पहले आ जाए, छोटे मोटे काम है क्या है वो आपको हम आगे जाके जब लेते जाएंगे तो दिखाते जाएंगे। तो हम पहुंच गए लोखंडवाला मार्केट में, हम आ गए गो कलर्स में। हमें रिजा के लिए और मेरे ड्रेस के लिए ईद की जो ड्रेसेस है उसमें लेगिंग्स चाहिए थी, हमने वो ली। उसके बाद हमें एक लेस लेनी थी, उसके बाद मैंने सोचा अम्मी के लिए वाइट दुपट्टा ले लेते हैं। और ये देखो रेहान क्या कर रहा था, पहनी थी आपकी वाली बहुत कम्फर्टेबल है, मुझे अम्मी की बहुत अच्छी हो के आई थी, फिर से आएंगी, मुझे से भी कलर्स दे दीजिए पक्का। ये भी आ जाएगा उनके साइज में। इस बार फ्रेंड्स मुझे अपनी ईद की ड्रेस के साथ ऐसे आगे से पॉइंटेड जो हील्स होती है ना, इन्हें शायद पंप्स कहते हैं, मुझे ये चाहिए था, मैंने आज तक पहना नहीं है, पता नहीं कंफर्टेबल हो गया नहीं, बट जब ट्राई कर रही थी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी मॉडल्स को और एक्टर्स को इस तरह की जूतियों में देखा है, तो मैंने सोचा मैं इस बार ये ट्राई करती हूँ, मैंने ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं पहना था, तो मैंने ये ले लिया है फाइनली। और मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, कौन सा फाइनल किया मैं आपको इंशाल्लाह घर पर दिखाऊँगी। थैंक यू। वक्त 4 बजने वाला है, अभी हम लोगों को अर्जेंट में जाना है सेंटा क्रूज, क्योंकि एक डिजाइनर है और वो चाहती है कि मैं उनके कपड़े पहनूं ईद में, तो हम देख के आते हैं हमें वहाँ पे कुछ अच्छा लगता है या नहीं लगता। हमें जल्दी से पिक करना है और जल्दी से कोशिश करनी है कि हम लोग इफ्तार के पहले घर चले जाए। 2 मिनट्स दिखा रहा है फ्रेंड और 5 बज चुका है। असबाब यहीं से जाना है ना, जो भी जल्दी हो सके, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ इफ्तार से पहले। बहुत मुझे जानते थे बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं, और ऐसा मैं आपके लिए है ना पवन हंस से हेलीकॉप्टर करके आपको इफ्तार में घर में पहुंचा देंगे। मैं यहाँ पे आपका टाइम लूंगी, सॉरी आई ड्राइव यू, मैं खुद आपको ड्राइव करके लेके आऊंगी। नहीं नहीं, आई एम नॉट लेटिंग यू गो सून। अच्छा, बिकॉज I want to be little selfish. नहीं, नहीं. I mean, how can I miss the opportunity? She's come for the first time, so I want her to be here. That's it. So I'll show you some nice ones. See, because I understand it's Eid, but still we are dressing you. So dressing you का मतलब होता है dress करो. So dressed up लगना चाहिए. I'll show you this with pants and I'll show you one with garara. मुझे garara बताइए ना इसके साथ. तो वीडियो पे जल्दी देखो, ये मेरा workshop है. बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा collection है. क्यों आप धूप में जाओगे कहीं शॉपिंग करने के लिए? सो दिस आई रियली लाइक, बहुत अच्छा है, दिस इज फैबुलस, समथिंग जो मैं भी पहनूं। हाँ, आई सीइंग सो मच, मैं बहुत कम पसंद करती हूँ, बट दिस इज वन ऑफ माय, बहुत अच्छा है, दिस लाइट एंड वेट सबा, थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी है लेकिन सेल्फ है, इतना ब्लिंग ज्यादा नहीं लग रहा है। सो वन ऑफ देम, इसमें मेरे पास एक और कलर है, वी मेड 2 कलर्स इन दिस, एक और लेके आओ, बहुत प्यारा, एक्चुअली आई वांटेड टू गिव टू मम्मा, अम्मी को भी लेके आऊंगी, मम्मी का मेजरमेंट दे दो ना। हाँ तो आप भेज दोगे फिर? ठीक है, अम्मी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। ऑफ कोर्स हम लोग इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी करते हैं, तो सिर्फ बेसिक मेजरमेंट्स आते हैं, एंड वी कैन गिव यू अ बैंग ऑन फिटिंग, सो योर मम्मा इज हियर ओनली। आई थिंक दिस कलर इज मोर प्रिटी ना, एलिगेंट में भी थोड़ा सा यू नो अच्छा बता देते हैं ना। इंशाल्लाह आपको एक स्कार्फ भी दे दूंगी मैचिंग जॉर्जेट का, तो अगर आपको नहीं मिलेगा, सो दिस इज ऑल्सो वेरी प्रिटी। चॉइस नंबर, कैन यू हेल्प मी? ओके, थैंक यू भैया। चॉइस नंबर 4, सो चॉइस नंबर 5,
pretty hai because we are keeping you in mind and we are giving you ke sawa ke upar kya acha lagega. The best part is she gets into the stock size. Choice number 6. This is Sabha, very pretty. Sabha, this is a fantastic piece. This is like आपकी मम को हम दे सकते हैं. Like I have this for myself also in the wardrobe. Very cool piece. अगर आपको jacket add on करना है तो आप jacket भी add on कर सकते हैं. Shrug. When आपके guest आए आपकी मम्मा के पास, like you know, and I have it in a size 42. So I don't know your mama's size, but I'm sure it will be very comfortable for her. बहुत अच्छे हैं, तो मैं और ज़्यादा confused हो जाऊँगी. नहीं तो कुछ बात नहीं, मेरे plans मेरे ऐसे ही, हम बातचीत भी करते हैं. सबसे अच्छा जो लगाना आपको वो सबसे लास्ट में ड्राई करना, ताकि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूँ कि सबसे अच्छा वाला तो अच्छा लगना ही है, जो नहीं अच्छा लगा उसको हम अच्छा लगा. हाँ अब अच्छा है, ऐसा लग रहा है यही फाइनल कर लो, लेकिन एक और ट्राई कर लेती हूँ. कितने साल हो गए आपके ये बिजनेस? 10 साल. 10 साल, अरे वाह. Yes, 10 साल बहुत होते हैं. But you know what we do? I'll tell you what is our business about. हम बॉम्बे के टॉप स्टोर्स, दिल्ली, कैलकटा को यू नो डिजाइनर आउटफिट्स बना के हम टॉप स्टोर्स में देते हैं. एंड हम यूके, यूएस, कनाडा में आई थिंक अराउंड 14 इयर्स हो गए मैं एक्सपोर्ट करती हूँ. सो वी मेक आवर ओन क्रिएशंस, वी डोंट कीप डिजाइनर कॉपीज, वी डू आवर ओन अमेजिंग स्टफ. डिफरेंट. यस यस, डिफरेंट. एंड देन वी सेल इट टू द स्टोर्स एंड देन दे गिव अस ऑर्डर्स ऑन आवर पीसेस, लाइक यू नो जब लोग वांट टू मेक दैट अगेन फॉर देम. ऑल ओवर इंडिया में हमारे कई शहरों में हमारा बेस है जहाँ पे हमारी हैंड एम्ब्रॉयडरी के यूनिट्स है. एंड योर एट अजबाब आपको सबसे एक्जॉटिक हैंड एम्ब्रॉयडरीज मिलेगी. ड्रेसेस तो फाइनल हो गई है, लेकिन 6:10 हो चुके हैं, तार तक नहीं पहुंच पाएंगे. 1.5 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है, इसीलिए अम्मी के लिए कुछ खाना पैक करा लेते हैं. इफ्तार हम यहीं पे कर लेंगे, इसके बाद घर निकलेंगे. थैंक यू. 6:26 हो गया है. फ्रेंड्स और भाई का भी मैसेज आया है कि वो लोग भी बाहर हैं, दूसरा एरिया, वहाँ पे वो लोग इफ्तार कर रहे हैं, तो बोल रहे तुम भी यहाँ आ जाओ. अब हम यहाँ पे भी वो बेचा रही इफ्तार करने और है हमारे पास. तुम्हें क्या लगता है पहुँच जाएंगे? पहुँच जाएंगे. हाँ. तो भैया को ही पता होगा, पहुँच जाएंगे. अभी ब्रिज खत्म. फ्रेंड्स हम आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं. पहले आपने बोला था योनिस लेके आएंगे, योनिस चलो ठीक है आज नहीं गए, कल चले जाएंगे. बोले फिर चप्पल भी कल मिल जाएगी. खाने को नहीं मिला, जैसे आया तो वैसे ही जा रहा हूँ. सिग्नल नहीं खुल रहा था उसका, मैं क्या करूँ? और इतनी बार गोल घुमाया, इतना सिग्नल पता नहीं सिग्नल है क्या ही है. कभी कभी ऐसा लगता है काश छोड़ पाते. अम्मी नहीं पहुँच पाएंगे. 7:02 हो गए फ्रेंड्स, इफ्तार जो है वो गाड़ी बड़ी नहीं रही आगे. बेचारे रेहान का रोजा तो नहीं था, लेकिन हो गया है. इसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है. और फ्रेंड्स हम लोग ने भी अभी इफ्तार मतलब सिर्फ पानी के घूट से किया, पुराना पानी रखा हुआ था. ट्रैफिक ही नहीं खत्म हो रहा है यहाँ से. मंगा के रखे कुछ ज्यादा, थोड़ा कह रहा शानू भाई से इंतजाम करा के रखा. भाई और भाभी आज कुछ कामों से बाहर निकले थे, फिर भाई को अपने बालों में कुछ कराना था, उसके लिए वो लोग यहाँ पे आए हुए थे. यहाँ पे उन्होंने इफ्तारी की, वो हमें यहाँ पे बुला रहे थे. हम टाइम पे तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन हमारे लिए सारी चीज़ों का इंतजाम था. हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के खाया और चाय पी. चलो अल्लाह हाफिज़ कर लो शानू भाई से. अरे भाभी अल्लाह हाफिज़. हाफिज़ भाई घर जा रहे हैं. अल्लाह हाफिज़ बाय. नहीं मैं पहचानती हूँ, कुछ लगा आप बिजी हो. सॉरी बाय. ट्रैफिक ना मिले दुआ करिए बस, आप ही जीत जाइए उस ट्रैफिक ना मिले.
तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए और फ्रेंड्स अभी 9:30 हो गया है। 10 बजे घर पहुंचे हम लोग। यारे खाने पे वेट कर रहे। खा लिया खाना? नहीं खाया। ये क्या है? क्या इमली की चटनी? चटनी इमली की खटाई, वो जो दही बड़े की। हाँ चटनी तो होती है। अरे ये पार्सल है मेहंदी का। वाओ। हाँ एक भाभी के लिए। ओ हाँ ये केक आया है। किसके केक? सर ट्रैफिक अम्मी कसम से आज जिंदगी में पहली बार आपसे प्यार दूर किया और आज ही भुगत लिया। ट्रैफिक अम्मी बेटी घर अब पुरानी बॉटल पड़ी हुई थी पानी की, उसमें से एक घूट रजा ने एक घूट मैंने पिया। इसकी चप्पल ले आई, रजा की चप्पल आ गई, लेसेस आ गई, रजा की लेगिंग्स आ गई, सब हो गया, रजा का काम हो गया। इसका तो ये यहाँ पास, तुम्हारा ईद का काम नहीं है, तुम्हारा सिर्फ चप्पल है, वो यहाँ पे भी मिल जाएगी। मैं अम्मी के साथ बस खाना खाऊंगी, मुझे अम्मी को लाना था बाहर से खाना, मैं बाहर से ले आती लेकिन ये होता कि फिर आज आते आते लेट हो जाता, तो फिर मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आज हम लोग बस वही खाएंगे। खाना खा लो सब लोग। आपने ये बहुत अच्छे डिजाइनर कपड़े लाए, उन्होंने मुझे ईद में पहनने के लिए दिए, उन्होंने कहा था अम्मी को भी पहनना चाहते हैं, तो हमने कहा अम्मी को ले आएंगे। इतना अच्छा कलेक्शन है फ्रेंड्स, आप लोग की अगर शादी आ रही है ऐसा कुछ भी आ रहा है ना, तो वो अम्मी ऑर्डर भी बनाते हैं। अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैंने कपड़े ट्राई किए और मैंने कौन सा आउटफिट फाइनल किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करना। मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी आज जो भी लिया वो भी दिखाऊंगी। ईद की तैयारियां शुरू हो गई है फ्रेंड्स, और बस कम से कम मुझे 3 बार फोन लगाया, 4 बार आंटी मुझे बहुत अर्जेंट सबों से बात करनी है, आंटी कुछ भी करो। तो हमारा आज का प्लान नहीं था, हम कल जाते, लगा चलो आज ही चले जाते, इतने दिल से बुला रही थी। फ्रेंड्स हम इस वीडियो को एंड करें, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को आगे ले जाके जाइए। आई लव यू।